नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। जब से केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार का काम पूरा हो गया है, तब से बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों ने भी रफ्तार पकड़ लिया है। वहीं अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसके तहत अब आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव में बीमारों को भी मतदान करने का मौका दिया जाएगा। कोरोना के कारण बूथों पर इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पहले यही अनुमान लगाया जा रहा था कि मतदान का हिस्सा केवल वही लोग बन सकेंगे जो स्वस्थ हो, लेकिन अब जो अपडेट निकल करके सामने आई है उसको देखें तो अब बीमार लोगों को भी अपने मत का इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया जाएगा। इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सारी जानकारी साझा कर दी है, जिसके तहत मतदान के दिन सभी बूथों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे में अपने मत का इस्तेमाल करने आए सभी लोगों की जाँच तो होगी ही, साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करने में भी आसानी होगी जो बीमार होंगे, जिसके बाद जिन भी मतदाताओं का तापमान मानक से अधिक आएगा उनको अलग से प्रिंटेड टोकन नंबर दिया जाएगा ताकि उनकी पहचान आसानी से की जा सके, जिसके बाद ऐसे मतदाताओं से मतदान के अंतिम घंटे में वोटिंग करवाया जाएगा। हालांकि इस काम में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका बेहद ही अहम होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार पीठासीन पदाधिकारियों को मतदान के दौरान 1 से लेकर 100 तक टोकन नंबर जारी किया जाएगा। इस टोकन का इस्तेमाल उन लोगों के लिए ही केवल किया जाएगा जिनका तापमान थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान ज्यादा आया हो। इतना ही नहीं, इस बार कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोग ने कहा है कि चूंकि इस बार पंचायत चुनाव का आयोजन ईवीएम के इस्तेमाल से किया जा रहा है, ऐसे में ईवीएम की FA सेल मतदान से लेकर मतगणना तक इसके साथ ही 4 स्तर पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा और IPC की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बिना मास्क के अगर कोई वोट देने जाएगा तो उसे ₹50 का जुर्माना देना होगा। हालांकि इस दौरान मतदान केंद्रों पर आयोग की तरफ से मास्क का प्रबंधन भी किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई निर्देश का उल्लंघन करता है तो फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही चुनावी प्रशिक्षण, नामांकन, मतदान और मतगणना को लेकर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को 5 से अधिक लोगों के समूह में प्रचार करने की छूट नहीं मिलेगी। हर हाल में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन करना होगा। प्रशिक्षण स्थलों और मतदान केंद्रों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि अधिकतम 850 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला और प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि कोरोना के मामलों को देखते हुए संक्रमण मुक्त चुनाव का आयोजन करवाया जा सके। साथ ही पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिलों में कोषांग का गठन करके कर्मचारियों की तैनाती की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके बाद उनके प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। इसमें गांव में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना आसान नहीं होगा। ऐसे में बिहार में पंचायत की तैयारी चल रही है और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार में बाढ़ एक और बड़ी समस्या है। हालांकि कोरोना और बाढ़ के माहौल में चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन करवाना चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो अगर कोरोना का संक्रमण नियंत्रित रहा तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में अंतिम चरण में चुनाव का आयोजन करवाया जाएगा ताकि बाढ़ की स्थिति भी नियंत्रित हो जाए और मतदान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव का हिस्सा बन सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।